अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। तब का बीए में चला गया, इंजीनियरिंग बन गया, डॉक्टर बन गए, नाम है पहचानी इसको, तब लोग नाम है आने लगे। अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आप अभियान से किसी और भी डेबिट में चला गया तो उसके लिए उसका सीनियर रिस्पॉन्सिबल के प्रति बड़ी है। तो इसके कारण ये फील्ड में और इस फील्ड में लॉ करने के बाद आदमी में अगर कैपेबिलिटी है तो वो ग्रो कर जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन सुप्रीम कोर्ट में पेरियाँ होती हैं या तो सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस चलते हैं उसका भी एक मेन रीज़न है कि जो मीडिया ने लोगों इस लॉ को हाईलाइट किया है उसके कारण अट्रैक्शन बढ़ा है। आज 1000 की स्ट्रेंथ है, जैसा आपका सोच है अगर ये बात के अध्यक्ष बनते हैं तो आगे भविष्य में जो हम सेमिनार आयोजन करेंगे, समिति बनाएंगे इस टाइप की कि वो उनको जो है सहयोग करें सिविल किस तरीके से जो है। हमेशा ध्यान से है कि जूनियर एडवोकेट्स को वेल इक्विप करें ला के सामने। एक्चुअली में क्या है कि हमारे जो जजेस हमारे गुरु मेरे गुरु विशेष करके अशोक वर्मा जी के द्वारा आज आप सभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य अशोक वर्मा जी पूर्व में भी 1998 से 2000 तक अभिभाषक संघ देवास के अध्यक्ष रहे हैं और उस दौरान भी उन्होंने कई कार्यक्रम दिए हैं। अभी वर्तमान में जो एक नैतिक पतन हुआ है, सभी व्यवसायों में नैतिक पतन देखा गया है और उस आवश्यकता है कि अभिभाषक संघ का जो व्यवसाय है, अभिभाषक का व्यवसाय है वह गरिमामय व्यवसाय है और इसी व्यवसाय और इसी कड़ी में उनके द्वारा अभी नेक्स्ट संडे के दिन एक आयोजन किया जा रहा है जिसमें हमारे उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं श्री सुनील जैन साहब, उज्जैन इंदौर यूनिवर्सिटी के डीन हैं डॉक्टर इनामुर रहमान साहब और हमारे पूर्व डीजे प्रभात कुमार मिश्रा साहब उपस्थित हो रहे हैं और उसमें प्रोफेशन की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अभी इस वक्त हमारे बाद में जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तब बार की स्ट्रेंथ हार्डली 400 के करीब की जो अब डबल हो चुकी है और नए बच्चे आपने देखा होगा लॉ कॉलेजेस आ गए, प्राइवेट कॉलेजेस आ गए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ गए जहाँ पे लीगल प्रोफेशन के प्रति एक लोगों में प्रति एक उत्साह है। इसी कड़ी में अशोक भैया की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है मल्लार स्मृति मंदिर में 25 को और उसका विषय है हाउ कैन एन एडवोकेट एक्सेल इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड द आर्ट ऑफ एडवोकेसी एंड द डिग्निटी ऑफ लीगल प्रोफेशन। तो हमारा प्रयास है कि नए बच्चों में नए युवाओं में उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। जजेस का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलता है जबलपुर में जुडिशियल एकेडमी के नाम से, वहाँ पे नए जजेस को ट्रेनिंग दी जाती है और वो वेल इक्विप्ड होकर आते हैं लॉ से। हमारे जो जूनियर्स जो होते हैं उनके पास कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके कारण जो उनको वेल इक्विप्ड कर सकें लॉ से। इस कारण हमने एक वर्कशॉप आयोजित की है लॉ सेमिनार, उसके सब्जेक्ट आपको बताया मैं भी बता देता हूँ। एक सब्जेक्ट है हाउ कैन एडवोकेट एक्सेल इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड सब्सिक्वेंट इस क्वेश्चन है मतलब सब्जेक्ट है आर्ट ऑफ एडवोकेसी एंड डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन। इस चक्कर में हम एडवोकेट्स ये समझाना चाहते हैं कि डिग्निटी क्या है लॉ की, प्रोफेशन तो एक है ही प्रोफेशन मगर उसको एक समाज में, कभी वकील के बारे में ये होता था कि वकील पहले गाउन पहनते थे और गाउन के पीछे एक जेब होता था, उसका मतलब ये था कि आपने जो भी काम किया उस पक्षकार ने जो केस किया उससे कभी फीस डिसाइड नहीं हो सकती थी, वो क्लाइंट जिसको फीस देना होती तो वकील के गाउन में जो पॉकेट होता था उसमें रख देता। दैट वाज द इस प्रोफेशन की इतनी डिग्री थी। और आज ये हालत हो गई है कि हम देख रहे हैं आप सबके नॉलेज में है कि वकील तक को किस लेवल तक पहुँचा दिया गया है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्लास सेमिनार का मैंने आयोजन किया है देवास में। संभवतः पहले भी हुए होंगे, काफ़ी मेरे नॉलेज में तो नहीं है पर कभी किसी ने किया हो छोटा मोटा तो पता नहीं, बाकी इसको हमने लार्ज स्केल पर करने की कोशिश की है और आप सभी लोगों को इसलिए आमंत्रित किया कि इसका काफी प्रचार प्रसार हो। तो खाली एडवोकेट्स आए और इन जो महानुभाव आ रहे हैं उन लोगों के प्रचार सुने। अगर ऐसा होता लगातार ऐसा 25 साल से आपने बोला 25 साल पहले 25-30 वगैरह तो इतने सीनियर के इतने उन्हें प्रेरणा देता तो मेरे ख्याल से नैतिक पतन की बात ही नहीं आती। क्या होता है नैतिक पतन एक तरीके से नहीं होता, नैतिक पतन 50 तरीके से हो सकता है। हम जूनियर को सिर्फ कोर्ट में ये बता सकते हैं उसके संबंध में मीडिया को जानकारी देके ताकि समाज में मालूम पड़े, सारे एडवोकेट्स को मालूम पड़े कि हम क्या करने जा रहे हैं।
क्या उद्देश्य सर इसका? इस उद्देश्य का जूनियर एडवोकेट्स को समझाना कि कानून की तैयारी, कोर्ट में एक अच्छा वकील, सभ्य में अच्छा वकील कैसे बने, एक अच्छा सामाजिक कैसे बने, ये उद्देश्य है उसके पीछे। कब और कहाँ संचालित होगी, कितने समय की रहेगी? ये कार्यशाला है 25 फरवरी 2024 को रविवार के दिन मल्लास्वती मंदिर में, दिन में 11 बजे से, सिर्फ आमंत्रित एडवोकेट्स के लिए और आमंत्रित गेस्टों के लिए। सर इसमें जनरल पब्लिक भी इनवाइटेड रहेगी क्या? नहीं, जनरल पब्लिक नहीं है इसमें। जनरल पब्लिक नहीं, नहीं एडवोकेट्स, एडवोकेट ये कब हुई थी पहले, कभी हो चुकी है, कितने वर्ष एडवोकेट्स? अभी 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 तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया, करीब 20 साल पहले तो मेरे को देखते हुए वगैरह नहीं हुआ है। 20 साल के दिनों में बाहर के चुनाव, ये कार्यक्रम चुनाव को देखते हुए? नहीं नहीं, ये बाहर के चुनाव को देखते हुए कार्यक्रम नहीं है, मगर कम से कम इसको देखते हुए ये है कि लोग अपना जो अध्यक्ष चुने वो उस अध्यक्ष को ऐसा चुने जो उनका सर्वांगीण विकास कर सके।